हैं कि नेक्स्ट जॉब हम कैसे ज्वाइन करें, क्योंकि हम दो ही काम करेंगे, या तो दोबारा से जॉब ज्वाइन करेंगे या घर तो चलाना ही है, बिजनेस करेंगे। तो दोनों ही चीजें, या तो बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे। तो पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो जॉब ज्वाइन करते हैं। तो जॉब ज्वाइन करने में वो सात पैरामीटर तो हमें कैरी करने ही करने हैं, उसके अलावा दो चीजें और हमें नोट करनी है। पहली, आपको अपना पूरा एक्चुअल इवेल्युएशन करना है। ये देखना है कि अगर आपका आज 3 लाख का पैकेज है, तो क्या वो जो राइड आई थी साइन वेव की, उसमें कितना कितना आपने एक्स्ट्रा डेल्टा लिया था आप उसको, क्योंकि अकेले में जब आप करेंगे, किसी को नहीं बता रहेंगे, तो उसमें मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। तो लेट्स अज्यूम कि वो 2 लाख होना चाहिए था आपको लग रहा है। तो आज आप जो करंट जॉब ज्वाइन करनी चाहिए आपको, वो आपको 25 से 50% के बीच में, लेस ऑफ 2 लाख करनी चाहिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे सर क्या बात कर रहे हो, पहले 3 लाख की सैलरी बता रहे थे, अब 3 से हम 2 पे आ गए, अब 2 में भी आप कह रहे हो 25 से 50%, तो मतलब लाख 1.5 लाख में काम करें क्या? यस यू हैव टू डू, क्योंकि ये आपका प्रायश्चित भी है, वरना आज आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि गलती से अगर आप 45+ पहुंच गए, तो जॉब ये मिलनी ही बंद हो जाएगी। मैं कम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपको 2 लाख या 2.25 लाख या 2.5 लाख मिल गया 3 लाख के एवज में, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, वहीं सेटल हो जाएंगे, अगेन आप डेडवुड वाली लेवल पे चले। अगर 2 लाख के बजाय आपने 1.5 लाख या 1 लाख पे जॉब ज्वाइन किया, तो आपको हमेशा पिंच होता रहेगा कि मेरी एक्चुअल वर्थ ज्यादा की है, बट मैं बिलो द वर्थ काम कर रहा हूं। और जब आप बिलो द वर्थ काम करोगे, तो यू विल पुल अप योर स्टॉक्स, यू विल परफॉर्म बेटर, एंड यू विल ऑलवेज सर्च द अपॉर्चुनिटीज, और वो अपॉर्चुनिटी आएगी। ऐसा नहीं है जो कर्म नीचे जा रहा है कभी ऊपर नहीं आएगा, आएगा, वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी एंड हिट द बुल्सआई, क्योंकि वो पेन रहना चाहिए आपको। अगर वो पेन खत्म हो गया आपका, आपने कंफर्ट जोन में काम करना शुरू कर दिया, तो नेट रिजल्ट ये होगा कि वो आपको डेडवुड में कन्वर्ट कर देगा। तो प्लीज कोई बात नहीं, पेन सहन करिए, मेरा सुजेशन है एज ए बिजनेस कोच, आपको ऐसा करना चाहिए, दैट्स योर डिसीजन, राइट। दूसरा, आज से ही आप अपने अंदर चेंजेस करने शुरू कर दीजिए, यू विल लर्न लीडरशिप स्किल, मैनेजरियल स्किल, इन्वेस्ट कीजिए। आप फैमिली पे इन्वेस्ट करते हैं, एंटरटेनमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं, फूड घर होम पे करते हैं, क्या कितने लोग हैं आपने अपनी एजुकेशन जो भी ली होगी, मान लो आप MBA हैं, उसके बाद आपने क्या क्या एजुकेशन ली है, ईमानदारी से आप चेक करिए अपने आप। MBA अगर आज आपकी उम्र में लेट से लेता हूं 35 ईयर है, तो MBA आपने कब की होगी, जब आप 25 ईयर के होगी, उन 10 सालों में आपने क्या किया, इट इज द फैक्ट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपने उस ज्ञान के ऊपर इतना पर्दा डाल दिया कि आप उसकी परफॉर्मेंस के अंदर अपने आप को परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, आप उस शेडो में चले जाओगे कि आपकी परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी। एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स आपको करते रहनी चाहिए, और वो वाली नहीं जो कॉर्पोरेट में करवाते हैं और HR वालों को खुश करने के लिए अटेंडेंस लगवा के पीछे आराम से व्हाट्सएप, दिल से करनी चाहिए। ये दो चीजें करिए, और अगेन उस साइकिल में ध्यान रखिए कि आपको कितने साल किस पोजीशन पे हैं, उतने साल आप वहां पे काम करिए, देन स्विच ऑन, देन स्विच ऑन। अगर आप ऐसा करते हैं, यू विल रिमेंबर मी व्हेन यू विल बी ऑन 60 ईयर, यू विल बी टॉप, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, विल बी इन योर हैंड।